ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के करियर के बारे में। मुझे बहुत से कमेंट्स आए, लोगों ने कहा कि आप वृश्चिक राशि के करियर के बारे में बताइए। तो चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं अपने दर्शकों का बड़ा सम्मान करता हूँ और जो भी उनकी इच्छा रहती है उसको पूरा करने का प्रयास करता हूँ, तो आइए आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि के कर्म स्थान यानी कि दशम भाव में। चूँकि सिंह राशि बैठती है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक कहावत है कि शेर को बंदूक मिल जाए तो फिर वो क्या नहीं कर सकता। इसलिए वृश्चिक राशि वाले शुरू शुरू में, जो मैंने आपको बताया, बचपन में जो संघर्ष तकलीफ कठिनाई पाते हैं, ये उसको जितना जल्दी से जल्दी समाप्त कर दे के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये उसमें सफल होते हैं। चूँकि हमने बताया कि अगर ये पढ़ने में लग गए तो पढ़ने में बहुत मेधावी होते हैं, ये एक अच्छे वकील बनते हैं, अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे ये वैज्ञानिक बनते हैं। ये जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में एक विशेषता हासिल करते हैं। इनका पढ़ाई लिखाई जो 12-15 साल के बीच का होता है वो थोड़ा लड़खड़ाता जरूर है इस दौरान, ये खेल कूद पढ़ाई लिखाई, लेकिन उसके बाद जब ये पढ़ने लगते हैं तब ये एक विशेष विषय के डिग्री प्राप्त भी करते हैं और फिर ये उसमें सफल भी होते हैं। क्योंकि दशम घर यानी सिंह राशि सरकार से संबंधित है, इसलिए वृश्चिक राशि के ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरियों की शोभा बढ़ाते हैं। इसमें देश की रक्षा, पुलिस विभाग, कोई भी तरह का सुरक्षा से संबंधित, तो इनके एक समझा जाए मन चाहा मन प्रसन्न करने वाला जॉब होता है। इसके अलावा भी ये अच्छे वैज्ञानिक होते हैं, वैसे तो कुछ लोग एजेंट्स इत्यादि के भी काम करते हैं। भूमि का यानी कि जमीन से संबंधित कार्य में इनको अपार सफलता मिलती है और ये उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। जमीन को यानी कि ये बिल्डिंग लाइन में अगर वृश्चिक राशि वाले चले गए तो सोने में सुहागा, निश्चित तौर पे ये कोई ना कोई बड़ा काम करते हैं। इसके अलावा भी ये लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करते हैं, शुरू करेंगे बहुत छोटे से थोड़े से पूंजी से, लेकिन धीरे धीरे उस पूंजी से एक इतना पूंजी बना लेंगे कि बाद में एक बहुत बड़ा उद्योग खड़ा कर देते हैं। यही वृश्चिक राशि वालों की एक विशेषता है, कभी ये हार नहीं मानते, कभी ये अपने को थकान नहीं महसूस करते हैं और हमेशा करते रहो करते रहो। क्योंकि बचपन में जो इनको कष्ट तकलीफ धन का आर्थिक देखना पड़ा है, ये अपने जीवन में उसे दोबारा नहीं देखना चाहते, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और इसी कारण ये इतना धन संपत्ति बनाते हैं कि आगे चलकर यानी इनका बुढ़ापा बहुत सुखमय जाता है। यदि ये लोग इलेक्ट्रिक से संबंधित काम में गए तो बड़े बड़े इंजीनियर बनते हैं, इनको किसी भी तरह का डर नहीं होता है। इसी प्रकार जो वृश्चिक राशि की महिलाएं हैं वो भी पुरुषों से कहीं भी आप देखोगे पीछे नहीं है, हर काम में उनके बराबरी करती हैं। ऐसी महिलाएं आज की तारीख में हवाई जहाज उड़ाती हैं, ट्रेन चलाती हैं, बस चलाती हैं, कोई भी साहसिक पहाड़ की यात्रा साहसिक करना है तो ये बड़े बड़े पहाड़ों पर, पर्वतों पर झंडा फहराती हैं।
इसमें आप वृश्चिक राशि की महिलाओं को देखोगे तो कहीं कहीं तो वो पुरुषों को भी पीछे छोड़ देती हैं। अगर ये पढ़ाई लिखाई में गईं तो ये प्रोफेसर लेक्चरार आदि बनती हैं। इसके अलावा भी इनको अन्य डिग्रियां भी मिलती हैं। और अगर ये टीचिंग लाइन में ही गई तो ऐसी स्पोर्ट इत्यादि की भी टीचर बनती हैं और उसमें इनको बड़ी महारत हासिल होती है। क्योंकि वृश्चिक राशि की महिला हो या पुरुष, इनका शरीर जो होता है चुस्त दुरुस्त होता है और ये काम करने में बड़ा विश्वास करती हैं। कोई भी काम हुआ तुरंत करो उसको, आलस कल्पित टालना इनकी आदत नहीं होती है। और जिस काम में इनको लाभ दिखे इस काम में चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री बढ़ चढ़ कर काम करती हैं। इसीलिए ऐसी स्त्रियां रासायनिक क्रियाओं जैसे कि कोई केमिकल का काम हुआ मेडिकल का काम हुआ तो उसमें ये बिल्कुल प्रयोग करने में डरती नहीं हैं और इसी कारण ये अच्छे से अच्छे प्रयोग करके सफल भी होती हैं, अपना नाम भी रोशन करती हैं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन करती हैं। पुरुष अगर वो सेना में है तो वो आपको मैंने बताया ये अगर सुरक्षा से संबंधित हैं तो ये लोग ऐसी जगह पे इतने कठोर चाहे वो ठंड हो चाहे गर्म हो चाहे बरसात का महीना हो एक जगह जहाँ जम गए जमे रहेंगे और ऐसी जगह पे दुश्मन को भू चटाते हैं कि दुश्मन कल्पना भी नहीं कर पाता कि यहाँ पर भी कोई हो सकता है। वहाँ पर वृश्चिक राशि का शेर खड़ा मिलता है। यही कारण है कि वृश्चिक राशि के लोगों को सुरक्षा में सबसे अच्छा स्थान मिलता भी है और इनका खेल कूद में अगर ये प्रवेश करते हैं तो इसमें भी इनको बहुत महारत हासिल होती है, बहुत से अवार्ड्स ये जीतते हैं। इसी कारण इनका जो वृद्धावस्था है वो इनका सुखमय होता है। ये इतना धन कमा लेते हैं और इन अपने धन का ये सदुपयोग करते हैं। वैसे तो पुरुष की कुंडली में ये देखा गया है कि ज़्यादातर ये मद्यपान वगैरह के लाइन में फिर बिगड़ने लगते हैं, पार्टीबाजी में अगर ये चले गए तो फिर इनको संभलने में बहुत समय लगता है। कभी कभी तो ये संभलना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर ये चूँकि धन इतना कमा लेते हैं कि धन का दुरुपयोग करते हैं, उड़ाओ खाओ ऐस करो ऐसी इनकी भाषा बन जाती है और उस पर ये कार्य भी करते हैं। लेकिन वृश्चिक राशि की महिलाएं धन कमाती हैं, ठोस धन कमाती हैं, अपने काम के प्रति वो बहुत होशियार होती हैं, लापरवाही उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती है और वो अपना धन ला के सुरक्षित बचाती भी हैं। उसका उपयोग वो अपने बच्चों पे पति पे सास ससुर पे भी करती हैं और घर मकान भी अपने नाम से बनाती हैं, गहना भी बनाती हैं। इसलिए वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं ये कठोर शासन करना अगर किसी को आता है तो वृश्चिक राशि की महिला को आता है। ये न्याय के मामले में थोड़ा भी पक्षपात नहीं करेंगी, कोई भी कठोर निर्णय लेना है तो ये अडिग रहती हैं। कभी कभी इनको थोड़ा इसी कारण से परेशानी का भी सामना करना पड़ता है और परेशानी इनको आती भी है, लेकिन ये परेशानी से घबराती नहीं है, ये अपनी मान सम्मान में लगी रहती हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करती हैं जिससे कि इनकी आत्मा इनका अपमान सहन करे। इसीलिए वृश्चिक राशि की महिलाएं चाहे हवाई जहाज उड़ाना हो चाहे गोताखोरी करना हो या कोई भी नेवी आदि में कहीं भी आप देखोगे तो वृश्चिक राशि की महिला हमेशा आपको खड़ी मिलेगी और बिल्कुल निडर पुरुषों से भी ज़्यादा कड़क। इसलिए ऐसी महिलाएं अगर व्यापार में उतरती हैं तो ये केमिकल से संबंधित मेडिकल से संबंधित आदि काम में बहुत आगे जाती हैं, बहुत सफल होती हैं, लेकिन ये नौकरी में ज़्यादा सफल मानी गई हैं और नौकरी करना भी इनको बहुत अच्छा लगता है। ऐसी महिलाएं नौकरी या रोज़गार करके अपने पूरे परिवार का अकेले इतना कमा लेती हैं, खर्चा
चलाती हैं, फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करती हैं। इसीलिए इनका मान सम्मान सरकार भी करती है, इनके ऑफिस के भी लोग करते हैं और इनके परिवार के भी लोग करते हैं। इनका पति भी इनका सम्मान करता है। वृश्चिक राशि जैसी निडर होती हैं, वैसे वृश्चिक राशि के पुरुष भी निडर, पराक्रमी और साहसी होते हैं और यही इनकी विशेषता इनको बहुत आगे तक ले जाती है। वृश्चिक राशि के लोग आप देखेंगे कि इनके अंत के समय में यानी 40-50 के बाद इनके पास अच्छा मकान, अच्छी ज़मीन, अच्छा बैंक बैलेंस हो जाता है। ज़्यादातर ये लोग फिर टहलना, घूमना, दूर की यात्रा करना, साहसी यात्राएं तो इनको बहुत प्रिय होती है। इसमें पुरुष भी उसी तरह होती हैं, वैसे महिलाएं भी होती हैं। इसलिए अगर इनके करियर के विषय में देखा जाए तो वृश्चिक राशि के पुरुष और महिला दोनों पराक्रमी होते हैं, परिश्रमी होते हैं और ये अपने मेहनत के बलबूते पर बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो मित्रों, मैंने आज वृश्चिक राशि के कर्म भाव करियर के बारे में जो बताया, मुझे आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप मेरा ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना मत भूलें। नमस्कार।